अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों, YouTube का दरवाजा खुला और मैं आपके घर के अंदर। अच्छा जी, आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। आजकल कोरोना की वजह से ना जिंदगी डल सी हो गई है। आजकल बस यही है कि खाने बना लो, फिर रोज़े भी हैं, खाने बना लो, अफ्तारी बना लो, सहरी बना लो। अच्छा जी, इंशाल्लाह मैं ना अभी जो रमज़ान ख़त्म होगा और उसके बाद जब हमारा ये कोरोना अल्लाह करे जल्दी ख़त्म हो जाए पूरी दुनिया से, फिर इंशाल्लाह ताला आपको है ना मैं बाहर भी लेकर जाऊँगी, साथ साथ हर जगह हम फ्रेंड साथ साथ ही होंगे तो बाहर भी लेकर जाऊँगी। वैसे भी हमारे पूरे घर को है ना सैर का बहुत शौक है, पूरा पाकिस्तान मैंने देखा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। तस्वीरें भी शेयर करूँगी आपके साथ और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी, तो मज़े करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज मैं रेसिपी एक ट्राई करने लगी हूँ, चिकन पकौड़े। बहुत ही सादा और हल्की फुल्की, यकीन करें जब आप बनाएंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलें बनाते हैं, तो फिर देखते हैं कैसा जायका होता है। और आप भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके। यार एक बात याद रखें कि मुझे लाइक एक लगा दो ना थम्बो अंगूठा, नीले रंग दाया है, निशान नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, एक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना। चिकन पकोड़े में कौन कौन से मिसालें डालें यह मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ये सारे मिसाले डाल के रखे थे, अब मैं बताती हूँ जी। एक टेबल स्पून है आटा, 3 टेबल स्पून है बेसन और 1/2 टेबल स्पून है हल्दी और 1 टीस्पून है लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून है विनीगर। और इन सबको आपने है ना चिकन के अंदर मिक्स करना है, मिक्स करना है अच्छी तरह। और अदरक लहसुन का पेस्ट है एक टीस्पून, ठीक है जी। अब अंडा है, अंडे को हमने फेंट लेना है और अंडे को हमने हाफ डालना है, ठीक है जी। और नमक हसबे जायका डालें जी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको मिक्स करना है, अंडा डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें चिकन पकोड़ा। और चिकन पकोड़े को मिक्स कर रहे हैं जी हम, और 30 मिनट के लिए हम लोग इसे फ्रिज में रखेंगे। फिर इस तरह हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। 30 मिनट के बाद हम फ्राई करेंगे और फिर हमारी रेसिपी इतनी मज़े की रेसिपी तैयार होगी। लें जी, हमारे चिकन पकोड़े तैयार हो गए।